यूपी के मुरादाबाद में एक चावल कारोबारी ने जबलपुर में रहने वाली अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए अपने ही साथ लूट का नाटक रच डाला। मुरादाबाद पुलिस ने 36 घंटे में इस फर्जी लूट का खुलासा कर आरोपी के पास से 1,26,000 रुपए बरामद कर व्यापारी को गिरफ्तार कर लिया है। व्यापारी का नाम शुएब बताया जा रहा है। व्यापारी का जबलपुर की एक लड़की से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसके चलते व्यापारी ने अपनी प्रेमिका को महंगे गिफ्ट देने के लिए अपने ही साथ लूट की फर्जी घटना का नाटक रच डाला। व्यापारी ने अपने परिवार वालों के सवालों से बचने के लिए अपनी दुकान में रखे चावल के बोरे छिपा दिए और फिर बदमाशों द्वारा नशा देकर 3 लाख रुपए लूटने का नाटक रच डाला, जिसका पुलिस ने 36 घंटे में खुलासा कर दिया। ये 3 तारीख को रामपुर टांडा के रहने वाले चावल व्यापारी हैं, जिसकी दुकान कटरा में है। उन्होंने एक उनके साथ जो आपराधिक घटना थी, एक शिकायत लिखाई थी कि उनको किसी ने सुंगा कर उन्हें बेहोश कर दिया और उनके पास जो 3 लाख रुपए थे वो लेके आदमी फरार हो गए ऑटो रिक्शा से, जिसमें 2 व्यक्ति उनके साथ बैठे हुए थे, जिसमें आज उन्हीं की गिरफ्तारी की गई है। उन्होंने बताया कि मेरे द्वारा ये झूठी शिकायत की गई थी। उनसे पूछताछ में पता चला है कि उस दिन ये लगभग 2-2.5 बजे अपने दुकान से चले और उनके जो गले में लगभग 1,30,000 रुपये थे, उन्होंने वहीं पे अपने दुकान में ही चावल को कट्टों में छुपा दिए थे और फिर यहाँ पर मुगलपुरा ई रिक्शा से जामा मस्जिद तक आए। फिर यहाँ से उन्होंने एक ऑटो रिक्शा किया, ऑटो रिक्शा करके पुल पार करके एक होटल है वहीं पर ही उतर गए। कुछ देर वहाँ पर जाके झाड़ियों में लेटे रहे। उन्होंने सोचा कि कोई आदमी इनको देख लेगा, उसके बाद अपनी बात बताएंगे जो उन्होंने कहानी बताई थी। किसी ने इनको देखा नहीं, फिर ये खुद ही आधे घंटे बाद ऊपर चढ़ के आए। वहाँ पे जो आने जाने वाले व्यक्तियों थे उनसे बात करके उन्होंने बताया कि मेरे साथ ऐसी ऐसी घटना हो गई है। अपने परिवार को फ़ोन किया, 112 को फ़ोन किया, उसके बाद तत्काल पुलिस मौके पर पहुँची, उनका मुकदमा पंजीकृत किया गया। फिर अगले दिन यानी कि 4 तारीख को उनकी गतिविधि संदिग्ध थी। ये अपने दुकान से जो उन्होंने 1,26,000 जो उन्होंने छुपा रखे थे अपने चावल के कट्टों के बीच में, वो लेके वो चले गए। यहाँ बस स्टैंड पे गए और वहाँ से दिल्ली के लिए चले गए। वहाँ पे इन्होंने एक नया सिम और एक नया मोबाइल फ़ोन ख़रीदा। फिर इनकी एक जो गर्लफ्रेंड है जबलपुर में रहती, उनसे मिलने जाना था इन्हें, उनसे बातचीत करी तो इनकी गर्लफ्रेंड ने इनको आने से मना कर दिया और फिर ये वापस यहाँ मुरादाबाद के लिए रवाना हुए, जहाँ बीच में पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया और ये पूरी घटना का खुलासा हुआ। 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। Life24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170।